म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी कहानी दोस्त। आज मैं आपके सामने पंचतंत्र की एक कहानी को नए रूप में सुनाने जा रही हूं। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, लिफ्ट करा दे। आयुषी उत्साह से भरी हुई थी। पापा पापा, इस बार हम कहाँ जा रहे हैं? उसने अपने पिता से अपनी नई पोस्टिंग की जगह पूछी। वहीं दूसरी ओर उसका जुड़वा भाई आयुष अपने स्कूल, अपने दोस्तों को छोड़कर फिर एक नए स्थान पर जाने को लेकर परेशान था। उसके पिता ने समझाते हुए कहा, हम ज्यादा दूर नहीं, बस दिल्ली के बाहरी इलाके में बसे एक गांव में जा रहे हैं। वहां पर सरकार एक बड़ी फैक्ट्री खोलने जा रही है, बस उसी का काम देखना है। आयुषी के पापा सरकारी बिल्डिंग बनाने की कंपनी में इंजीनियर थे। सारा सामान पैक कर अगली सुबह वे अपने नए ठिकाने की ओर चल दिए। गांव पहुंचकर वहां की साफ सफाई सुंदरता देखकर वे सब बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों में उन्होंने वहां के सरकारी स्कूल की कक्षा 5 में भी दाखिला ले लिया और नए नए दोस्त भी बना लिए। एक दिन शाम को आयुषी और आयुष ने अपने नए दोस्त ऋषभ को बताया कि उनके पापा जो फैक्ट्री बना रहे हैं उसमें लिफ्ट भी लगेगी। ऋषभ, जिसने सिर्फ टीवी में ही लिफ्ट देखी थी, बड़ी उत्सुकता से बोला, क्या तुम दोनों मुझे भी वहाँ लिफ्ट में ले जा सकते हो? उस पर दोनों बहन भाइयों ने किचकिचाते हुए कहा, वहाँ किसी भी बाहरी व्यक्ति के जाने पर प्रतिबंध है, पर हम पापा से बात जरूर करेंगे। इस इंतजार में कई महीने बीत गए और एक दिन आयुष ने ऋषभ को कहा कि कल सुबह हम फैक्ट्री में जाएंगे। तभी आयुषी बोली, बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी सामान को ना छूना और ना ही लिफ्ट का कोई बटन दबा देना, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अगली सुबह वे दोनों ऋषभ को लेकर पापा के साथ फैक्ट्री गए और वहां घूमने लगे। थोड़ा आगे चलकर ऋषभ की नजर लिफ्ट पर पड़ी और वह आयुषी से लिफ्ट पर चढ़ने की जिद करने लगा। तीनों लिफ्ट में चढ़ गए। लिफ्ट के चलने पर पहले तो ऋषभ को डर लगा, फिर उसे मजा आने लगा। इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर वे लौट ही रहे थे कि ऋषभ ने जल्दबाजी में पावर ऑफ का बटन दबा दिया और लिफ्ट बीच में ही अटक गई और लाइट भी बंद हो गई। तीनों घबरा गए, ऋषभ तो रोने भी लगा। तब आयुषी ने इमरजेंसी बटन दबाया और काफी देर की मशक्कत के बाद उन तीनों को सही सलामत लिफ्ट से बाहर निकाला गया। बाहर आने पर ऋषभ को समझ में आया कि जल्दबाजी में किया गया काम खतरे में भी डाल सकता है और उसने अपने दोस्तों को सॉरी भी कहा। फैक्ट्री से बाहर निकलते समय आयुषी और आयुष ने महसूस किया कि उनके साहस ने ऋषभ को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? सुनकर कुछ समझ आया? क्या आप भी कभी जल्दबाजी के कारण किसी मुसीबत में फंसे हो? अपनी कक्षा में इस पर चर्चा करना। अगली कहानी में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। ये थी आज की कहानी। आज की कहानी। An initiative by Municipal Corporation of Delhi।